में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जांच कमेटी के मेंबर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घायलों से मिले जांच कमेटी के मेंबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जांच कमेटी के मेंबर पहुंच चुके हैं। देखिए काफी तेजी से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और घायलों से बातचीत करेंगे ये जांच कमेटी के मेंबर। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो उसके मेंबर हैं वो अब पहुंचे हैं, घायलों से मिले हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो कटरा का अस्पताल है कटरा का, वहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। लगभग 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रधान सचिव गृह की अगुवाई में ये जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि कहां पर चूक हुई है। लेकिन जो उनके सदस्य हैं वो घायलों से मिले हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और घायलों के इलाज का खर्चा श्राइन बोर्ड उठाएगा। देखिए श्राइन बोर्ड की ही जिम्मेदारी बनती है, उसी की देखरेख में पूरी व्यवस्था होती है, वही पूरा रखरखाव करता है कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं कि घटना की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए जा चुके थे और इसमें तेजी भी देखी गई है। तेजी ये देखी गई है कि जो इसके मेंबर्स हैं, कमेटी के सदस्य हैं, वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उसके बाद साक्ष्य जुटाए जाएंगे कि कहां कहां पर लापरवाही बरती गई, कैसे चूक हुई। श्रद्धालुओं की गलती तो है क्योंकि इस बार जो भीड़ थी वो भाप नहीं पाए स्थिति को और इतनी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए। और ये ट्रेंड भी हो गया है कि नए साल पर आप जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने पहुंचते हैं, कोरोना का समय भी है। लेकिन इससे पहले जो वैष्णो देवी से तस्वीरें सामने आई, काफी अनुशासन देखा गया। अभी भी आप देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जोश श्रद्धालुओं में है, उत्साह है, भीड़ अभी भी उतनी ही है। यानी कि इतना बड़ा हादसा होता है, 12 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग वहां पर दर्शन करना चाहते हैं और भीड़ में कोई कमी नहीं है। अब यहां पर देखिए पुलिस यहां पर लोगों को कंट्रोल करती हुई, क्योंकि काफी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हैं और यह स्थिति तब है जब कड़े नियम है, कई तरह के प्रतिबंध है कि आप दूसरे राज्यों से वहां पर पहुंच रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही आप वहां पर जा पाएंगे। इस व्यवस्था के बाद भी